फैन अंबेडकर टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं सब तो पहला मेरे वल्लों जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। मैं विनोद इकलविया, प्रधान डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच, अज दे इस विशेष टैलीकास्ट दे विच सब तो पहला मेरे वल्लों तुहानूं सारिआं नूं सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन 643वें प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक श्लोक जो कहा सी कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिलन सभी को अन्न, छोट बड़ा सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कैसे जग की कैसे विश्व की कल्पना की सी जिथे किसी तरह का कोई छुआछूत जात पात रंग भेद इन्ह तो उपर उठ के उन्होंने एक ऐसे देश की एक ऐसे समाज की कल्पना की सी जिते जिस दे विच सप ते नेलवा नेवला ते शेर ते बकर बकरी जिहड़ी आ ओ एक हो के रहन शांतमई ढंग दे नाल ऐसे देश की ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की सी। पर साथीओ अज बड़े दुख की गल है कि देश दे विच ओ सारा कुछ हो रहा वा जिहदी उन्होंने कदी कल्पना भी की सी। ते बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी जिहड़े साडे रहबर आ जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज तो शिक्षा लेंदे हुए अगे अपने समाज के लिए काम किया, अपना जीवन उन्होंने समर्पित करता, वो अपने परिवार को भी समाज के ते निछावर कर दिता। तो साथियों, मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के मौके के उत्ते मैं अपने समाज में विशेष करके वाल्मीकि समाज तो सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम लेवा समाज जो है जिन्होंने आप रविदासिया समाज कहने हैं, मैं उन्होंने पावन चरणों एक बेनती करना चाहना कि साथियों अज आप बाकी जो सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाना चाहते हैं तो आपू बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जो सुपन का सुपन जो उन्होंने सुपना सूनू पूरा करना चाहिए। सतगुरु अपना बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने जो आपू तीन नारे दते पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो। साथी उन्होंने अपना यूनाइट का नारा दिता स, उन्होंने कित नहीं ये कल्पना की कि वाल्मीकन समाज के जोड़े वीर आपस जुड़ जाए या रविदासिया समाज के साथी जोड़े आपस जुड़ जाए। उन्होंने जो यूनाइट की गल की सी, उन्होंने गल कही कि 6743 जातियां से वंडिया हुआ समाज जोड़ा वा वो आपस के एक हो जाए, आपस के एकता के रूप से परोया जाए। तो जब तक अपने समाज के एकता नहीं होएगी, अपने जिन्हें भी दुख दलिद्र आ अपने जिन्हिया भी समस्यावान वा साथीओ आप खात्मा नहीं कर सकते। एक गल उदो बाबा साहब नूं भी पता सी, अज तो कई साल पहला उन्होंने यह नारा दिता सी और वह समस्यावान ज्यूदियां त्यों अज भी बनिया हुई हैं। जे अज भी आप चाहते हैं कि अपनिया समस्यावान का हल हो जाए तो वह सिर्फ एको एक कार्यक्रम आ, एको एक सूत्र है, वह हैगा अपनी आपसी एकता। जब तक आप आपस एक नहीं होवोंगे उन्नी देर तक साथीओ अपना भला नहीं हो सकता। और आपां नूं ना एक होने के लिए इस देश दे विच बड़ियां ताकतां काम कर रही, जिहड़े लोगों ने आपां नूं 6743 जातियां दे विच वंडिया, अज देश दे विच उन्हां दी आबादी सिर्फ 3.5% आ। पर अज तुसीं देखो 2020 चल रहा वा और अज वो रूलिंग कास्ट है। वो रूलिंग कास्ट इस करके ही आ क्योंकि आपां 85% समाज जिहड़ा वा वो आपस दे विच इक नहीं है, आपां टोटिया च वंडे हुए हैं। तो मेरी अज दे इस पावन शुभ दिहाड़े दे उत्ते अपने समाज नूं दे पावन चरणा च हाथ जोड़ के यही बेनती है कि साथीओ आप आने वाले समय के एकता का स्वरूप रूप अपना एकता का सबूत दईए तो आप अपन अपन जातियां दी बेड़ियां नूं तोड़ के आपस दे विच एक होईए। ये समाज अपना एक है सारा, तो रविदासिया समाज तो वाल्मीकन समाज नूं मेरी विशेष करके बेनती है कि आप इकट्ठे होईए, इकट्ठे होकर आप बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का जिहड़ा मिशन आ काम करिए। तो उन्हां दा मिशन दा साथीओ एक ही आ कि बाबा साहब अपने समाज में इकट्ठा देखना चाहते सी, उन्हों का सपना सीगा कि मेरा समाज जिहड़ा वा वो एकता के रूप के परोया जाए, तो ही उन्होंने अपन यूनाइट का नारा दिता सी। तो इस करके मेरी अज के इस मौके के उत्ते सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पुरब 643वां जो 9 फरवरी पूरा विश्व जिहड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाउण जा रहा वा, तो साथीओ ता ही सफल होएगा सही माने च जे आप उस दिन के उत्ते अपने समाज में एकता का संदेश दईए। आपां घर घर जाके अपने मुहल्ले मुहल्ले जाके आपां अपने समाज के जागरूकता फैलाईए कि आपां एक होना वा, एकता की गल आपां जोर शोर ना करिए। जिन्हें भी स्टूडेंट्स नौजवान साथी मेरी गल नूं सुन रहे ने उन्होंने मेरी बेनती है कि आपां
किसी भी संगठन च काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था च काम कर रहे हैं, आप अपने अपने संस्थावां दे विच रहिंदे होए आप सिर्फ अपने समाज में एकता के रूप दे विच प्राण दे लई आप काम करिए। मेरी यही बेनती है कि आप इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर आप बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के मिशन के लिए काम करिए और सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन के लिए काम करिए और अजरमर त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का जो मिशन सीगा उसके लिए आप काम करिए ताही अपना समाज जिहड़ा वा वह आने वाले समय के विच देश की सत्ता के काबज हो सकता वा। जब तक आप एक नहीं होवांगे उन्नी देर तक आप साथी हो देश की सत्ता के काबज नहीं हो सकते। तो बाबा साहब का यह सुपना सी कि मेरा समाज जिहड़ा वा वो पूर्ण रूप दे विच पार्लीमेंट च विराजमान होवे ताकि आप पार्लीमेंट दे विच जाके अपनिया समाज दीआं जिहड़ियां समस्यावां वा उहदा निवारण कर सकीए। इन्हां शुभ इच्छावां दे नाल इन्हां विचारां दे नाल मेरी सारे तुहानूं सारिआं नूं एक वारी फिर मेरे अपने वल्लों सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरे परिवार वालों और मेरी संस्था वालों डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच वालों तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास।